था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। चलिए, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग मुझसे बात करने आ रहे हैं सब शराब पी हुई है उन्होंने। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुंबलीरम। जिस खोखले गुजरात मॉडल के जरिए पूरे देश को बेवकूफ बनाया गया, उनकी भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई और इस घटिया मॉडल को पूरे देश के लिए बेहतरीन मॉडल बताने में किसका सबसे बड़ा रोल रहा है, वो है इस देश की मीडिया। लेकिन आज वही मीडिया है और उसी कैमरे के सामने गुजरात मॉडल की ऐसी सच्चाई सामने आ जाती है जिसे देखकर यही लगता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। दरअसल जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है उसी गुजरात मॉडल में शराबबंदी भी शामिल है। दशकों से गुजरात में शराब पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन आज पूरे गुजरात में धड़ल्ले से शराब मिल रही है। आम आदमी शराब के नशे में धुत होकर चल रहा है और इस सब की पोल कोई और नहीं बल्कि आज तक की मोहतरमा अंजना कश्यप के शो में ही खुल रही है। चुनाव का माहौल देखते ही मैडम जनता के बीच राज तिलक शुरू कर देती हैं और उसी कार्यक्रम में जब अंजना जनता के मुद्दों को जानने के लिए गईं तो कई लोग शराब के नशे में धुत थे और उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और मैडम उनके मुद्दे को जाने बिना ही भागने लगी। पहले देखिए इस वीडियो को, फिर आगे इस पर बात करेंगे। चलिए, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग मुझसे बात करने आ रहे हैं सब शराब पी हुई है उन्होंने। अंजना लोगों के बीच से भागने लगती है जिन लोगों ने शराब पी रखी थी और बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछते हुए कहती हैं कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन लोग हमसे बात करते हैं जो आ रहे हैं उन सब ने शराब पी रखी है। अंजना ने ये सवाल पूछकर अपने पत्रकारिता का सारा धर्म उतार दिया और उसे लगा कि लोग उसे निष्पक्ष पत्रकार होने का सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अंजना ने सिर्फ गुजरात में शराबबंदी की पोल खोलते हुए बस एक सवाल पूछा है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने उस पर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा और मैडम कश्यप की इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो भाजपा के प्रवक्ता से इस पर जवाब लेती। लेकिन जरा आप सोच कर देखिए, अगर अंजना बिहार में होती और उसके शो में कोई शराब के नशे में इसी तरह से आ जाता जैसे गुजरात के लोग आए थे तो अंजना बिहार में बखेड़ा खड़ा कर देती, बिहार को जंगल राज बताने से पीछे नहीं हटती और बिहार के कानून व्यवस्था के चरमरा जाने का गीत गाते हुए आरजेडी हो या जेडीयू के प्रवक्ता उनके सामने सवालों की झड़ी लगा देती और उनकी बोलती बंद कर देती कि जिस बिहार में शराबबंदी है उसी बिहार में शराब कैसे खुलेआम मिल रहा है। लेकिन यहां मामला गुजरात का था तो वो भाजपा के प्रवक्ताओं से सवाल तक ढंग से नहीं पूछ पाई। यही वो वजह है कि जब अंजना बिहार जाती हैं लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, जबरदस्त नारेबाजी करते हैं, क्योंकि ये पत्रकारिता के नाम पर अपना जो दोगला चेहरा दिखाती हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस गुजरात में चुनाव है वहां शराबी शराब के नशे में नंगा नाच रहा है, लेकिन अंजना के लिए शराबबंदी गुजरात का अहम मुद्दा नहीं है। जिस गुजरात में जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई उस पर अंजना की इतनी हैसियत नहीं हो सकी कि वो एक शो करके गुजरात की फर्जी शराबबंदी की पोल खोले और वो गुजरात की भाजपा सरकार से डंके की चोट पर सवाल करें और उन्हें जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का जिम्मेदार बताएं। लेकिन आज की मीडिया का हाल पैसा फेंको और तमाशा देखो जैसा है। आप पिछले एक महीने का डिबेट उठाकर देख लीजिए, हल्ला बोलने वाली अंजना हो या दंगल करने वाली चित्रा या फिर टॉनिक गर्ल रूबिका, सबने दिल्ली के शराब मॉडल पर जमकर शो किया, लेकिन इन पत्रकारों की इतनी औकात नहीं बची कि वो गुजरात के फर्जी शराबबंदी पर बात कर सके, उनकी इतनी हैसियत नहीं बची कि वो गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों की बात करें। लेकिन कहते हैं ना कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो गुजरात की इस हकीकत को जितना छुपाने की कोशिश की जाए लेकिन ये छुपाने से भी नहीं छुप रहा। ऐसे में फर्जी शराबबंदी और उस पर मीडिया की चुप्पी, दोनों पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।